नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीपू का किचन। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू के पत्ते की सब्जी। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, रियली में खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। कद्दू के पत्ते टुकड़े टुकड़े में काट लिए हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से देखिए, इसको काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े में। इसको हम धो करके रख दिए हैं, तो इसको हम रखते रहे हैं अलग। मिक्सी के जार ले लिए, इसमें आधा चम्मच पीला सरसों ले लिया हमने, और इसमें 7-8 कली लहसुन डालेंगे, दो प्याज बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे 4 मिर्च लाल। अब इसे हम ग्राइंडिंग कर लेंगे। हमने इसे पीस लिया है, पीसने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। कढ़ाई रख लिया, अब इसे हम गैस को ऑन करते हैं, करेंगे थोड़ा, इसको गर्म होने देंगे। इसमें हम तेल डालेंगे, तेल अपने हिसाब से डालेंगे, कम या ज़्यादा हम इतना ही डालेंगे। इसमें हम मेथी डालेंगे, अब हम डालेंगे इसमें हींग, और हींग डालने से थोड़ा सा खुशबू आता है, और इससे पेट वेट भी नहीं खराब होते। ये जो पीसे हुए मसाले हैं, इसे हम तेल में डालेंगे, हम ऐसे तेल में अच्छे करके डालेंगे। इसको चला लेते हैं, पूरे अच्छी तरह से बना गए हैं। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, मसाला ऐड करने के लिए तो गरम मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच, और आधा चम्मच और डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि ये मेरा कद्दू का पत्ता जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें मसाला थोड़ा अधिक डालना पड़ेगा। अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ग्राइंडर में जो लगा रहता है उसमें पानी डाल के निकाले जाता है, तो ऐसे पानी हो जाता है, तो ऐसे मसाले में डालते रहते हैं। मसाला इस तरह से आपको दिख रहा होगा, मसाले को 2 मिनट तक ढक देंगे, तो इसे हम ढक देते हैं, और इससे मेरा मसाला पक जाता है पूरी अच्छी तरह से। अब इसे हम चेक करते हैं हमारा मसाला पक रहा है या नहीं, तो मेरा मसाला लग रहा है पक गया है, क्योंकि ऊपर तेल आ गया है तो मसाला पक गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, आमचूर। अब मेरा मसाला पक चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे कद्दू के पत्ते, तो कुछ इस तरह से कद्दू के पत्ते डालेंगे। कद्दू के पत्ते जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा डाल के नीचे से वो जो मसाले होते हैं इसको ऐसे ऐड कर लीजिए। इसको हम पूरी अच्छी तरीके से नीचे लेकर चला सकते हैं, तो चला के पूरे अच्छे से चला लें। चलाने के बाद फिर जो मेरा बचा हुआ है कद्दू का पत्ता, इसे हम डाल लेंगे। कद्दू के पत्ते का सब्जी बहुत अच्छा स्वाद आता है, आप सभी इसे खाकर देखिएगा दोस्तों, बना के देखिएगा, फिर आप सुगंध भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब इसे हम ढक देते हैं, इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, धीमी आंच पे रखे जा। देखिए 5 मिनट हो चुका है, अब इसे हम चेक करते हैं, ये पूरी तरह से नहीं, अभी गल चुका है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा देखने में। 2 मिनट के लिए रख लेते हैं, अभी मेरा 2 मिनट हो गया, अब इसे हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं। ये मेरा सब्जी अभी पक चुका है, पूरी अच्छी तरीके से बन चुका है, आप चाहे तो इसे देख भी सकती हैं, पूरी अच्छी तरीके से बन चुका है। बहुत चाहे तो इसमें ग्रेवी भी लगा सकती है, पर हमको ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है, सूखा काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसे एक बार अभी बिना ग्रेवी का बनाइएगा, देखिएगा अच्छा लगेगा। अब इसे हम प्लेट में निकालते हैं,
एक कद्दू के पत्ते का सब्जी मेरा तैयार हो गया है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो खाने में स्वाद ही स्वाद है। तो आप सब इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही में घंटी को दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।